न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं, कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सत्य मर्यादा न्याय शांति परोपकार और लोक कल्याण के लिए थे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 16 बिंदुओं को लेकर सदन में लगातार 48 घंटे होनी थी चर्चा, लेकिन सदन में फेस करने की स्थिति में नहीं है विपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या पर दिया गया उनका बयान दीपोत्सव कार्यक्रम से था संबंधित, दिया लगातार सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, कहा न्यायालय के फैसले का सभी करेंगे सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की नवमी पर कन्याओं के पघारे पांव, कहा यह आयोजन नारी सशक्तिकरण को करता है प्रेरित, जल्द ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का करेंगे शुभारंभ। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में हुए मजदूर के दो हत्यारोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ गोला ने किया खुलासा। महिलाओं के आभूषण सफाई करने के नाम पर ठगी करने वाले दो टप्पेबाजों को रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार, एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने किया खुलासा। रामकथा के तीसरे दिन कथावाचक मुरारी बापू के अमृत वाणी से मंत्रमुग्ध हुए श्रोता, महान संत मुरारी बापू ने कहा मानस स्वयं जोगी ही नहीं जोगी राज है, योगेंद्र है तथा परम तत्व है राम। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में चल रहे पूजन में नवमी को हुई माँ दुर्गा की आराधना, महंत योगी आदित्यनाथ ने की माँ जगदम्बा की आरती, वितरित हुआ प्रसाद। राप्ती तट पर बने पोखरों में होगा मूर्ति विसर्जन, नगर निगम ने किए हैं व्यापक इंतजाम, एडीएम सिटी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया जाएगा कृत्रिम पोखरों में मूर्ति विसर्जन। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा मृत का किया जाएगा आयोजन, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। एडीएम सिटी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया 3 विधानसभाओं में बीएलओ के मतदाता डाटा फीडिंग की चेकिंग, लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। जिला पंचायत राज अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बुढ़िया माई मंदिर परिसर में की साफ सफाई, दिया स्वच्छता का संदेश, मेले में 20 दुकानों से पॉलिथीन किया जब्त। शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा के पंडालों पर उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जय माता दी के जय घोष से गूंज रहा है पूरा महानगर। शारदीय नवरात्रि की नवमी के अवसर पर व्रती भक्तों द्वारा किया गया विधिवत हवन पूजा, किया गया भंडारे का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में शारदीय नवरात्रि पर किया गया शक्ति की उपासना एवं शस्त्र पूजन। और पूरे देश के साथ साथ गोरखपुर में भी दशहरा के त्योहार की धूमधाम, शारदीय नवरात्रि की नवमी पर पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु।